उपस्थित हूँ आप सबके सामने, आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम सोहिनी है, ये रांची झारखंड से। विवाह से संबंधित संपूर्ण सवाल और एक सवाल और पूछा है इन्होंने कि लग्न बदल रहे हो तो कौन सा लग्न मानना चाहिए, पहले वाला या बाद वाला। देखिए चीज़ें तीन तरीके से देखी जाती हैं। शरीर पूरा बाहर निकल जाए तब जन्म का लग्न माना जाता है, पहला। दूसरा, शर निकल जाए तो लग्न माना जाता है। और तीसरा, नाल काटी जाती है तब वही समय माना जाता है, मतलब जन्म का समय। ये तीन स्थितियां। लेकिन अगर बात एक लग्न के पूरे बीत जाने की हो, जैसे एक लग्न पूरा बीत गया या 29-30 डिग्री पे जाकर के लग्न बन रहा है और उसके बाद नए लग्न का उदय हो रहा है, मतलब जैसे आप कर्क लग्न में 29 डिग्री 33 कला, इस आधार पर कि ये जो आपने जो जन्म समय दिया है इसके आधार पर ये लग्न अंतिम हो रहा है। अब इस लग्न का प्रभाव चूंकि कम होगा, लेकिन चूंकि जो वास्तविक समय अगर हमें पता है कि यही है तो हमें वही मानना चाहिए, पर वस्तुतः प्रभाव बाद वाले लग्न का भी ज्यादा आता है। लेकिन मजबूती से अगर मैं कहूं ये बात, तो जो वक्त आपने मुझे दिया है उस आधार पर ये कर्क लग्न ही बीतेगा। पर दूसरा, ये सैद्धांतिक रूप से अगर मैं बात कहूं तो प्रभाव जो है वो ज्यादा बाद वाले लग्न का यानी कि सिंह लग्न का ज्यादा रहता है। हालांकि कई बार कि जब आप इस चीज का उत्तर ढूंढने, इस सवाल का उत्तर ढूंढने निकलते हैं, तो हमें ये बात मान लेना चाहिए कि हमारे ऊपर से दोनों ही लग्नों का प्रभाव कई बार ज्यादा पड़ता है, और लग्न जब संधि लग्न में चला जाता है तो वो थोड़ा कमजोर भी हो जाता है, थोड़े से कमजोर प्रभावों के साथ वो जातक को प्रभावित करता है। क्लियर है? पर मैं यहां इसे कर्क लग्न ही मानूंगा क्योंकि एग्जैक्ट आपने मुझे 10:50 दिया है। क्लियर है? अब मैं आपको आपकी कुंडली के सबसे पहले पंचांग पे आपका विश्लेषण कर देता हूं। वैसे मैं दोनों ही चीजों से आपको परिचित कराते चलूंगा, उसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ज्येष्ठ और वैशाख माह का जन्म होगा, माह तो चेंज नहीं है, तो इस आधार पर व्यक्ति जो है वो थोड़ा उग्र होता है और उसको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मुझे कहाँ क्रोध करना है और कहाँ नहीं करना है और क्रोध को नियंत्रित कैसे करना है। क्लियर है? उत्तरायण में जन्मे हैं आप, इस वजह से आत्मबल आपका ठीक है, आपकी कुंडली का सूर्य व्यवस्थित है और आपके महत्वाकांक्षा को वो बल भी दे रहा है। क्लियर है? ग्रीष्म ऋतु में जन्मे हैं, घर से दूर जाइए, आपका काम घर से दूर जाने पे बनेगा और अच्छाई भी पनपेगी, तो इस वजह से सही दिशा देना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना और उसका सदुपयोग करना, इस बात पे आपका ध्यान ज्यादा जाना चाहिए। कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का जो है वो एक काल होता है, जैसे कि व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छे पल होते हैं, कुछ बुरे पल होते हैं। आप जिस पल में जन्मे हैं वो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी का है, इस वजह से मन को सही दिशा दीजिएगा। गलती किसी भी व्यक्ति से हो जाए तो उसको क्षमा करने का प्रयत्न करिएगा, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, ये भाव रखिएगा। सामने वाले ने आपके पास जो है वो आकर के आपसे धोखा करा, सामने वाले से आपको कोई बात ऐसी पता चल गई जो आपको ठेस पहुंचा सकती है, तो कई बार कृष्ण पक्ष वाले जो होते हैं वो तुनक मिजाज होते हैं और उसको पकड़ करके बैठ जाते हैं। इसे पकड़ के मत बैठिएगा, कोई बात नहीं, लेट गो करके आगे बढ़ जाइएगा। हो सकता है कि कई बार आप जिस व्यक्ति पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हो वो एक समय पे आपका भरोसेमंद ना निकले, तो उसको भूल जाने का प्रयास करिएगा। ऐसा नहीं है कि उसकी गलती को बार बार याद करके उससे संबंध काटने या तोड़ने जैसी या अपने प्रेम को अपवित्र करने जैसे भावों से दूर रहिएगा। नहीं करना, छोड़ देना, मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसको पकड़ करके चलो कोई बात नहीं, साथ चलते हैं, निकलते हैं, यात्रा पूरी करते हैं, बीच में रास्ता किसी को छोड़ना नहीं है। शनिवार को जन्मे हैं, आपको थोड़ी सी चीजें कुंठा से ग्रसित भी मिल सकती हैं या हो सकते हैं, इस वजह से जो लक्ष्य बनाइए उसको पूरा करने का भरसक पूरा प्रयत्न करिए और उस पे जो है वो खरा उतरने का पूरा अभ्यास भी जारी रखना होगा। वस्तुतः आप मोटे बाल मोटे नखों वाली संभवतया, हालांकि ये कई बार चीजें कमजोर होती है, पर फिर भी व्यक्ति को इस बात का प्रयास बहुत ज्यादा करना होगा कि वो जिस चीज के लिए भी प्रयास कर रहा है उसको वो 100% सफलता में बदले मेहनत से। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की चंद्रमा है, ये मन को परेशान कर सकते हैं। शोभन योग में जन्म हुआ है, ये शोभायमान और सौभाग्यशाली बनाता है। भरणी नक्षत्र, जिसके साथ भी जुड़ेंगे आप उसको भर देंगे भाग्य से, धन से, लक्ष्मी से, ऐश्वर्य से और कांतिमान बना देंगे। दृष्टिकरण क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण क्रोध है, उन्माद है, प्रभाव है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मोह है, मात्सर्य है, काम है, कामातिरेक की स्थिति है, पाने की इच्छा है और भूख भी है। हाँ, ये सब है।
पर इसको जितना ज्यादा हो सके अपन का प्रयास ये होना चाहिए कि उसको सही दिशा में लगाया जाए, सही दिशा दी जाए और ऊर्जा का सही जगह पे जो है वो अनावरण किया जाए। अब कर्क लग्न की कुंडली बनती है, वस्तुतः तो ये है मन का लग्न, क्योंकि ये मन है चंद्रमा और उसी के लग्न की स्थिति, लग्न के अधिपति और सुख के अधिपति और लाभ के अधिपति का एक साथ बैठना, राहु केतु के प्रभाव में मन में कलह और अंतर्द्वंद हमेशा जागृत रहे, हमेशा बातों को लेकर के चिंताएं बनी रहती हैं। शुक्र और चंद्र का यहाँ बैठना, व्यक्ति को ऐसा क्षेत्र चुनना चाहिए जो पद वाला हो और मेहनत बहुत ज़्यादा ना करनी हो, ऐसा क्षेत्र। लेकिन शुक्र और चंद्रमा जैसे प्रभाव ग्रहों का अगर चतुर्थ भाव पे पड़ेगा तो निसंदेह यहाँ पे एक सुलभता, थोड़े से संकोचीपन की स्थिति और व्यक्ति को संतुष्ट प्रवृत्ति का बना देने वाला और खरी खरी बोलने वाला बना देते हैं, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में बैठे हैं। कर्क लग्न की कुंडली, व्यक्ति इमोशनल हो गया, चंद्रमा दशम में बैठ गया तो कर्म से जुड़ गया और द्वितीय भाव में मंगल, जिससे चंद्रमा बुध और सूर्य केंद्र में लाभ भाव बली है। लाभ भाव के अधिपति का दशम में आकर के चतुर्थ को देखना, लाभ और धन का संयोग हो जाता है। लाभ के अधिपति का दशम में लग्नेश के साथ बैठना महाभाग्यशाली और महाधनी योग हो जाता है। धन की स्थिति कुंडली में कई बार देर से आती है, पर हाँ एक बात जो मैं कहूँगा कि व्यक्ति अपनी वाणी को 100% शुद्ध बनाए, और मैं समझता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे काम करने की आवश्यकता है वो आपकी वाणी हो सकती है। चतुर्थ के बाद अगर बात करें तो चतुर्थ भाव पे शुक्र चंद्रमा का प्रभाव और पंचम भाव पे सूर्य बुध का प्रभाव और मंगल का प्रभाव, मंगल की चौथी दृष्टि, गुरु यहाँ अकेले बैठे, सूर्य और बुध की सातवीं दृष्टि, शनि की दसवीं दृष्टि, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति के जीवन में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो यश है, कीर्ति है, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, गौरव है, प्रभाव है, अभाव है, ज्ञान है, शिक्षा है, धन का सुख है, प्रेम है और आलिंगन है। ये सब जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस भाव के अधिपति, देख रही है, सारी चीज़ें मिलेंगी जरूर, क्योंकि इस भाव के अधिपति मित्र की राशि में और इस कुंडली के लिए वो सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, गुरु मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह। मंगल अगर जन्म कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली बनती हो, नीच के भी बैठे हों तो भी प्रभावित नहीं है, खराब नहीं है, और फिर भी वो वस्तुतः तो अब एक बात और बताता हूँ। सिद्धांत ये कहता है ज्योतिष का कि द्वितीय भाव में पापक ग्रहों का और पापक ग्रह की राशि का बनना ठीक नहीं होता। यहाँ सूर्य मारक होंगे भी नहीं क्योंकि वो द्वितीय भाव के अधिपति हैं और धन भाव के अधिपति होकर के जा करके बुध के साथ बैठे हैं। 12वें भाव के अधिपति के होने के कारण और उनके साथ बैठने के कारण व्यक्ति के जीवन के लाभ के मारक बन रहे हैं। इस वजह से कई बार विलंब किसमें, विवाह आने में, विवाह के लिए रिश्ते आने में मन मुताबिक संबंध ही ना है, परेशान रहे चित्त, चंचल रहे, अपवित्र मन बना रहे, क्योंकि राहु यहाँ पे मन बिगाड़ रहे हैं, मंगल यहाँ आने नहीं दे रहे। इस भाव के अधिपति 12वें भाव के अधिपति के साथ लाभ में बैठ गए, पंचम को देख लिया और पंचम में गुरु, अकेले विवाह होने नहीं दे रहे, मतलब देर की स्थिति बना देते हैं। हालांकि वस्तुतः आपकी कुंडली में इस बात का दबाव रहेगा कि आप विवाह टाइम पे कर दो और करियर के लिए किसी भी तरीके से आपकी कुंडली में जो दाम्पत्य है, शुक्रचंद्र यहाँ बैठे हैं, सुंदर पति मिलने का सौभाग्य प्राप्त होना, क्योंकि सप्तम स्थान से केंद्र में दो दो शुभ ग्रह का बैठना, सप्तम स्थान पे किसी भी शुभ ग्रह का पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, वस्तुतः ये भाव बड़ा अच्छा बन रहा है क्योंकि इस भाव के अधिपति स्वग्रही होकर के बैठे हैं, धनवान ससुराल मिलता है और पति जो है वो थोड़ा सा आप ही के जैसे नेचर वाला थोड़ा सा होगा या फिर बिल्कुल ही विपरीत हो सकता है, क्योंकि आप जब गौर करें तो वो यहाँ भी चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हैं, यहाँ चंद्रमा शुक्र एक साथ जो संपूर्ण तरीके से श्रेष्ठ दाम्पत्य का और सुंदर दाम्पत्य का और पूरे तरीके से समर्पित दाम्पत्य का भाग्य जागृत करता है या भाव पैदा करता है। लेकिन गौर करिए यहाँ शुक्र नीच के हैं, इस वजह से विलंब, हालांकि गुरु जो हैं आपकी कुंडली में अकेले बैठे हैं जिसपे सूर्य बुध और मंगल का प्रभाव है, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की विलक्षणता, व्यक्ति के यथेष्ट होने का प्रमाण और व्यक्ति के बुद्धिमान होने का प्रमाण, इसमें कोई भी कमजोरी मैं महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि सूर्य जन्म कुंडली में रोहिणी के बैठे हैं और बुध मृग शिरा के बैठे हैं। यहाँ व्यक्ति के पास ज्ञान का बल ज्यादा है, क्योंकि सूर्य रोहिणी जो मन है और बुध मृग शिरा जो ऊर्जा है, तो चालाक व्यक्ति के पास जब ऊर्जा जुड़ जाएगी और सूर्य के पास जब मन जुड़ जाएगा तो व्यक्ति के पास एक सही रूप मिल जाए। इसका मतलब है कि व्यक्ति को जीवन में जो समाज से प्रेम जो मिलना चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं और उत्कंठा जिस चीज़ की होती है वस्तुतः वही उसको मिलता है, थोड़ा विलंब हो सकता है ये तो मैं कहूँगा। पंचम में गुरु, विवाह मिला करके ही करना चाहिए
और वस्तुतः चंद्रमा से पांचवें मंगल का जाना यश कीर्ति मान सम्मान इन सब चीजों में कमी नहीं होती। रिकग्निशन जो चाहिए होती है आपको, जिस चीज की इच्छा है समाज में कि मेरा पति अच्छा हो, मेरे बेटे अच्छे हों, ये सब चीजें मिल जाती हैं। पर पंचम के गुरु कई बार ऐसा भाव जागृत कर देते हैं या ऐसे परिणाम करते देखे जाते हैं जो व्यक्ति को एक तरीके की संतति देते हैं, या तो खाली लड़का हो या तो खाली लड़की हो। तो इस वजह से कई बार नाड़ी दोष वगैरह उत्पत्ति न हो, नक्षत्रों का संबंध दाम्पत्य में अच्छा हो, एक ही चरण के ना हो, ज्येष्ठ माह ऐसे स्थिति कभी ना बनती हो, इस वजह से ये बात मैं करता हूँ। कृष्ण ऋतु में जन्म है ना, ज्येष्ठ और इसका प्रभाव है, इस वजह से बात करता हूँ। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति से विवाह करिएगा, ऐसे जातक से विवाह करिएगा जो ज्येष्ठ माह में आप ही के नक्षत्र, आप ही के चरण और इन सब चीज़ों से ना आता हो, और अपने घर का वो बड़ा ना हो, कुल का बड़ा ना हो। क्लियर है? पंचम भाव की स्थिति थोड़ी सी कमजोर जरूर है, यहाँ पे अकेले ठीक नहीं होते। धन भाव ठीक बन रहा है, द्वितीय भाव थोड़ा कमजोर, तृतीय भाव जन्म कुंडली में बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ के अधिपति धन से संपर्क कर रहे हैं, तो पराक्रम से व्यक्ति धन भी कमा लेता है और जो उसको जिस स्टेटस में देखा जाता है उसको वो मेंटेन करता है, मतलब वो उसकी चीज़ें जिस चीज़ पे भी वो फोकस करता है। जैसे अपन का क्या है कि आज अगर मान लो आपने कभी किसी को प्रेम किया तो कल वो स्थिति बदल थोड़ी जाएगी, वो तो हमेशा रहती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर ये सद्गुण है कि आप किसी भी चीज़ को पकड़ करके रख सकते हैं, उसको छोड़ नहीं सकते। अगर किसी सामने वाले में कोई कमजोरी कभी दिख भी जाए तो आपके अंदर ये कुंडली गुण विकसित करके बैठा ही हुई है कि आप उसको संभाल लेते हैं या उसके साथ उसका दामन थाम करके उसको अंतिम तक पूरा करते हैं, मतलब उसकी यात्रा पूरी करते हैं, ये शनि कराते हैं। आयु बहुत अच्छी, धन बढ़िया, और मैं समझता हूँ कि शनि मंगल हैं तो कभी कभी जीवन में कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं, जैसे एक्सीडेंट हो, जैसे दुर्घटनाओं के योग बनते हों शनि मंगल राहु केतु की दशाओं में। पर मैं समझता हूँ कि आयु है और व्यक्ति के पास प्रभाव भी है, धन वगैरह देर से आते हैं, व्यक्ति सत्य बोलने वाला होता है, गंभीर होता है, तो थोड़ा इस पर विचार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं बनना है। सप्तम भाव से पहले छठे भाव की स्थिति पंचम में गए, इस वजह से संतान को बहुत ही संभाल करके पोषित करना होगा, उसके साथ संबंध अच्छे से परिभाषित करने होंगे, और सुंदर संतति का योग लगा है वो करियर में और बुद्धिमानी में कमजोर नहीं होगा। सप्तम और अष्टम के अधिपति का एक साथ या एक जगह बैठना या स्वग्रही होना यह अच्छी बात होगी। मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव जो वस्तुतः आपकी कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति को देख रहा है, उस भाव से चतुर्थस्थ शुक्र और चंद्रमा का बैठना, ये चीजें अच्छी होंगी। पर सप्तमेश को शनि या मंगल का प्रभाव कई बार प्रभावित करता है, इस वजह से विवाह विलंब से होने के संकेत मिलते हैं, ये बात मैं कहूंगा। अगर दिशा हो तो मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली के आधार पर दक्षिण दिशा बहुत ज्यादा अच्छी रहे, इस कुंडली के लिए 8 अंक अच्छे रहें, इस कुंडली के लिए सूर्य और बुध का एक साथ बैठना ये बहुत अच्छा भी होगा और थोड़े बहुत कमजोरी बन का एहसास भी कराएगा। दाम्पत्य ठीक है, ससुराल धनवान मिलेगा, पति सुंदर मिलेगा और श्रेष्ठ मिलेगा, मैं समझता हूँ कि वो तकनीक वाले क्षेत्र में काम करने वाला होगा, पदस्थ अधिकारी होगा, गुरु यहाँ बैठे हैं ना, और शुक्र चंद्रमा और मंगल शनि तकनीक, और वस्तुतः शनि मंगल का यहाँ बैठना जहाँ के अधिपति छठे में नौकरी वाला मिल सकता है। पर वस्तुतः एक बात और कहता हूँ कि वस्तुतः वो बहुत ज्यादा ही सुकोमल स्वभाव का होगा, अच्छा होगा। शनि मंगल है, थोड़े बहुत अपना प्रभाव यहाँ पे दिखाएंगे, पर ये चीज आपको संभालने की आवश्यकता होगी आपको। और यहाँ गुरु बढ़िया है कर्म क्षेत्र के लिए, उसकी स्थिति खराब नहीं है, और मैं समझता हूँ कि सुख के लिए भी उसकी स्थिति कमजोर नहीं होगी, ये बात ठीक दिख रही है। स्वभावतया वो मैं कहूँ तो बालकपन से युक्त होगा, बुद्ध से प्रभावित होगा, और निसंदेह वो थोड़ा कामुक भी होगा, ये बात भी करता हूँ। गुरु का यहाँ बैठना स्वग्रही, गुरु का यहाँ वृश्चिक राशि में, गुरु का यहाँ स्वग्रही होना यानी कि गुरु और गुरु का प्रभाव यहाँ पे बुध और चंद्रमा का, आप आगे चल करके पढ़ने पढ़ाने का काम या खुद का काम भी करना चाहें तो बिल्कुल कर सकती हैं। कॉस्मेटिक और सुंदर बनाने वाली चीज़ों के पीछे भी आप जा सकती हैं, किसी भी चीज़ को सुंदर बनाना और सुंदर रूप देना, आपकी कुंडली में योग उसका बना हुआ है, खुद का व्यापार सबसे बढ़िया कर सकते हैं। आपकी कुंडली में अभी चंद्रमा की दशा है जो वस्तुतः 2024 तक है, इस दशा काल में विवाह हो जाए तो अति उत्तम होगा। लग्नेश की दशा बहुत अच्छी कहा बात में, अगर हो जाए तो बढ़िया है, लग्नेश बैठे भी अच्छे हैं, लक्ष्मी संपन्न योग बना रहे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, पदस्थ बना देते हैं, व्यक्ति को किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। कहा जाता है भार्या त्रिवर्ग ग्रहणम शुभशील युक्ता, अगर अच्छे वक्त पे विवाह करेंगे तो निःसंदेह श्रेष्ठ होगा, बस लग्न जो है वो खराब ना बीत रहा हो। आपकी कुंडली में अगर सिंह लग्न भी होगा तो मैं समझता हूँ कि जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर मंगल लग्न में आ जाएंगे, इस वजह से कई बार व्यक्ति उग्र होता है अगर सिंह लग्न की बात करें तो। और वस्तुतः अगर आप 4 के जगह पे 5 रख देंगे तो फिर लग्न यहाँ आ जाए, और लग्न जो है वो इनिशियलाइजेशन में होगा, मतलब आरंभ होगा, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में कर्क और सिंह दोनों का ही प्रभाव विकसित होते देख रहा हूं। पर वस्तुतः
सिंह का भी प्रभाव रहेगा और कर्क का भी प्रभाव रहेगा। जहां थोड़े से आप इमोशनल होंगे वहीं थोड़े से कठोर भी होंगे। ये दोनों ही चीजें एक साथ आगे बढ़ेंगी और जीवन में जिस चीज को आप ज्यादा बल देंगे वही चीज आपके ऊपर विकसित होती जाएगी। वस्तुतः तो होना आपको सुंदर ही चाहिए, होना आपको बुद्धिमान ही चाहिए, होना आपको श्रेष्ठ ही चाहिए। और वस्तुतः आप किसी के अंडर में रहने वाले नहीं हो, चाहे किसी भी तरीके से आप किसी के अंडर में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। और वस्तुतः आप थोड़े से लिबरल भी हैं, लिबर्टी आपको चाहिए, पसंद है, वो तो किसी को भी पसंद है। क्योंकि आप कर्क लग्न से होंगे तो भी ये बात बनेगी, अगर सिंह लग्न से होंगे तो इस बात की और भी मजबूती ही हो जाएगी। तो ये बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी, आपकी कुंडली में मंगल की दशा अच्छी जाएगी, आपकी कुंडली में गुरु की दशा अच्छी जाएगी, आपकी कुंडली में शनि की दशा भी सामान्यतया अच्छी ही जाएगी। वस्तुतः वो आपको रोकेंगे, वो आपको टोकेंगे, वो आपको मजबूत बनाएंगे, वो आपको सिखाएंगे, वो आपको अनुभव देंगे। ये सारी चीज़ें शनि की दशा में मिल सकती हैं। मंगल और शनि में थोड़ा सावधान रहना होगा, ऑपरेशन वगैरह के योग बनते हैं, गंभीर बीमारी का खतरा ना हो, इस वजह से रक्त वगैरह नाभि का क्षेत्र थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है, इस वजह से थोड़ा सावधान रहना होगा। मैं एक बात आपको कहता हूँ, आपकी कुंडली में सूर्य अच्छे हैं, आपकी कुंडली में बुध अच्छे हैं, आपकी कुंडली में मंगल थोड़े से कंफ्यूजन में दिख रहे हैं, इस वजह से मैं समझता हूँ कि वहाँ पे आपको अगर हो सके तो बहुत ज़्यादा इसको चलाइए मत, दिमाग बहुत ज़्यादा मत चलाइए, और अपने आप को थोड़े भोलेपन से और अखड़पन से, मतलब जो है वो अखड़ मत बनिए, भोलेपन से युक्त रखिए, भोले बन जाइए। और किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा चिंता और चिंतन मत करिए, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, बीमार भी अब ज़्यादा होते रहते हैं, इस वजह से थोड़े से अपने आप को नियम में ढाल करके रखने की आवश्यकता ज़्यादा महसूस करता हूँ। कर्म क्षेत्र के बाद आपकी कुंडली में सूर्य षटबल में बलवान, शनि बढ़िया होंगे, मंगल भी बढ़िया होंगे, शुक्र भी बढ़िया होंगे। इस कुंडली में कमजोर जो दो शुभग्रह हो रहे हैं जिसमें से एक चंद्रमा और दूसरे गुरु, वस्तुतः आपकी कुंडली में मंगल और बुध, पढ़ाने चले जाइए, आप कोई अपना व्यवसाय कर लीजिए, सरकारी नौकरी की तैयारी भी आपकी कुंडली में बनता है, पद वाली नौकरी आपको मिल जाएगी, आपकी कुंडली में क्लरिकल जॉब बहुत अच्छी है, अच्छे पद पे आप जाकर के नौकरियां कर सकते हैं, आपकी कुंडली में इसके योग हैं। दाम्पत्य खराब नहीं है इस कुंडली का, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर ग्रह के बारे में बात करूं तो सूर्य बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे, इस वजह से लग्नेश अगर सूर्य बनेंगे, अगर सिंह लग्न बीतेगा और सिंह लग्न का प्रभाव आपके ऊपर आएगा तो वो भी कर्क से प्रभावित होकर के ही आएगा और आपको बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक नहीं बनाएगा। वस्तुतः आप संतुलित हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रबुद्ध भी हैं, मैं जहाँ तक इस कुंडली को समझ रहा हूँ। चंद्रमा बढ़िया है, इस वजह से चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी होगी, वो आपकी कुंडली में लग्न का, स्वभाव का, स्वास्थ्य का, व्यवहार का, आचार का, विचार का, इन सब चीज़ों का संतुलन जीवन में पैदा करते रहेंगे। मंगल 50% के साथ है, इस वजह से वो कुंडली में कम से कम तो अच्छे परिणाम नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए, करियर के लिए, आपके धन के लिए, आपके यश के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उनका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। मंगल की सातवीं दृष्टि यहाँ है, इस वजह से रोग वाली बात, और यहाँ पे मीन राशि को देखेंगे, इस वजह से ऊर्जा का क्षरण होता है और कई बार व्यक्ति हालांकि होता तो धार्मिक ही है पर कई बार उसके पेट में बात जो उसकी पेट में जो बातें होती है वो पचती नहीं, इस चीज़ को थोड़ा मेंटेन करिए। बुध जो है वो बालावस्था का है, वो बालकपन करता रहता है, इस वजह से कभी भी आप एक जगह पर टिक करके काम नहीं करते, इस चीज़ को बचा करके रखिएगा, अगर हो सके तो अपने आप को मेंटेन करिए, क्योंकि शनि यहाँ बैठे हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं। जो चीज़ आपने व्यापार पकड़ लिया, जो करियर पकड़ लिया, उसी को आगे बढ़िए, बार बार बदलने की प्रवृत्ति मत शामिल करिए। और मैं समझता हूँ कि जब तक आप खुद का कारोबार नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते, खुद का कारोबार आपके लिए श्रेष्ठ होगा, क्लियर है। गुरु बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, भाग्य का बल है, धन का बल है, यश कीर्ति ये सब चीज़ें मिल रही हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रतियोगिता वगैरह के लिए ये थोड़े से कमज़ोर जरूर होंगे, संतान वगैरह में थोड़ी सी स्थितियाँ कमज़ोर होंगी, क्योंकि षष्ठेश हैं, पंचम में बैठे हैं, त्रिक भाव के अधिपति का, दो स्थान के अधिपति का चतुर्थ और पंचम या केंद्र या लग्न या सप्तम या नवम में बैठना थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, इस वजह से उसकी मशक्कत थोड़ी बढ़ जाती है। हालांकि फिर भी आपको भाग्य का बल, पूर्वजों का आशीर्वाद और ज्ञान, जो उच्च शिक्षा होती है, उसका प्रभाव हमेशा रहेगा। और मैं समझता हूं कि आरंभ वाली बात जो है वो थोड़ी बहुत मशक्कत से बीतेगी पर बाद अच्छा होता है, ऐसे प्रभाव की कुंडली बन रही है। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में ऐश्वर्य और सुख की थोड़ी सी कमी कमजोरी करवाते देखे जा रहे हैं। और बहुत बढ़िया है कि आपकी कुंडली में शनि ठीक नहीं है, यह अच्छी बात है, वो स्वग्रही है, उनका जितना काम हो रहा है उतना वो कर रहे हैं और जैसा उनको होना चाहिए वह वैसे ही है और वैसे ही बैठे हैं, उतने ही अंशों के साथ बैठे हैं जितना कि उनको बैठना चाहिए। कमज़ोर हैं तो ठीक है,
बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते तो दिक्कत बढ़ जाती। और राहु और केतु आपकी कुंडली में 50% अच्छे और 50% बुरे परिणामों के साथ उपस्थित हैं। वस्तुतः आपकी कुंडली में राहु खुद के नक्षत्र में और केतु खुद के नक्षत्र में, इस वजह से मैं समझता हूँ कि इनकी कुंडलियाँ आपकी कुंडली में राहु के ऊपर दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है ना जी। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उसके ठीक आगे गुरु जैसा ग्रह बैठा हो और उस गुरु के ऊपर सूर्य और बुध जैसे दो शुद्ध और परिपक्व ग्रह देख रहे हों, जो व्यक्ति को बुद्धिमान और यशस्वी बनाने के लिए कभी भी कमजोरी नहीं रखेंगे। तो ये सारी स्थितियाँ आपकी कुंडली में अच्छी बन गई। एक बात और कहता हूँ, आपकी कुंडली वस्तुतः सिंह लग्न की ही बननी चाहिए और मैं उसका प्रभाव आपके ऊपर अगर देखूंगा तो आपको ये बात कहूंगा कि अपने आप को और भी ज़्यादा श्रेष्ठ बनाइए, अपने ऊपर और भी थोड़ा सा काम कर लीजिए, अपनी उग्रता, अपनी व्यग्रता, अपनी चंचलता, अपनी एक जगह पे न टिक पाने की जो अव्यवस्था है, इन सब चीज़ों पे फोकस थोड़ा थोड़ा कर लेने से आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। चीज़ों को पकड़िए मत, छोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करिए। बहुत ज़्यादा किसी भी बात पे मंथन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना यह आपकी कुंडली की मांग है। बस इतनी सी बात करता हूँ। इस कुंडली में धन भाव थोड़ा कमज़ोर है, पंचम भाव थोड़ा कमज़ोर है, एकादशवां भाव बली है, दशम भाव बली है, चतुर्थ स्थान कमज़ोर है, पर फिर भी एक अलग तरीके का इसमें अनूठापन भी है जो निसंदेह व्यक्ति को तुला में बैठे हैं जिसके अधिपति उसे देख रहे हैं तो खराब नहीं कहूँगा, अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हैं और ये तो जल्दी बदल भी जाते हैं। तो एकादशवां भाव अगर मजबूत बना हो तो निसंदेह जो व्यक्ति चाहता है वो उसको मिल जाता है, क्योंकि नवांश कुंडली में भी राहु यहाँ मित्र की राशि में, यहाँ पे भी मंगल एक ऐसे ग्रह के साथ बैठे हैं जिसकी खुद की राशि है। इस कुंडली में शुक्र कमजोर होने के बावजूद भी अच्छे परिणाम देते हुए देखे जाएंगे। मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, चंद्रमा, ये सब आपकी कुंडली के लिए अच्छे हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक ले इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। शाम का कार्यक्रम जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा और उसको समझने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।